अस्सलाम वालेकुम, ट्रुथ सेंट्रिक के साथ मैं आपका होस्ट बिलाल अहमद। व्हाट इज़ प्रोपेगेंडा, व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन प्रोपेगेंडा एंड मीडिया या बॉलीवुड, और इज़ मोदी हिटलर ऑफ इंडिया? ये वो क्वेश्चन है जिस पे हम बाद में बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज़ एग्जैक्टली इज़ प्रोपेगेंडा, और उसके लिए मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ जिससे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि व्हाट इज़ प्रोपेगेंडा। मेकिंग पीपल बिलीव दैट USA इज सेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड, ये एक प्रोपेगेंडा है। लोगों को ये यकीन दिलाना कि जो इराक में इन्वेड किया था USA ने, वो इसलिए किया गया था क्योंकि वहाँ पर वाकई ही वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अवेलेबल थे। लोगों को ये यकीन दिलाना कि अफ़गानिस्तान में या लीबिया में या जो भी बाकी एशियाई ममालिक हैं, अफ्रीकन ममालिक हैं, जहाँ जहाँ पर अमेरिका ने इन्वेड किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि वो जमहूरियत को जिताना चाहता है। ये एक प्रोपेगेंडा है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में लोगों को ये यकीन दिलाना कि नवाज शरीफ और पनामा का जो ताल्लुक था वो वाकई ही चोरी का था या वो एक लेजिटिमेट केस था, लोगों को ये यकीन दिलाना कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स इतने कम थे कि अगर वो पाकिस्तान से बाहर ना जाते तो वो मर सकते थे, लोगों को ये यकीन दिलाना कि पाकिस्तान में जमहूरियत है और पाकिस्तान को जमहूरियत की ज़रूरत है, दिस इज़ अ प्रोपेगेंडा। लोगों को ये यकीन दिलाना कि इमरान खान इज़ द लास्ट होप ऑफ पाकिस्तान इन अ सिस्टम वहाँ जहाँ पर एक वज़ीर आज़म की वक़्त ही नहीं है, जहाँ पर एक वज़ीर आज़म की उस तरह से वैल्यू ही नहीं है, वहाँ पर आप लोगों को हर 5 साल के बाद यकीन दिलाते हैं, तब्दीली की उम्मीद दिलाते हैं, उनको बताते हैं कि ये 5 साल आपकी किस्मत को बदलेंगे, दिस इज़ अ प्रोपेगेंडा। लोगों को ये बताएं कि जिस सिस्टम में आप रहते हैं वहाँ पर किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, वो एक रियल टॉक होगी। अब आप बात मेन जो मुद्दा है उस पर आते हैं कि जो हिटलर है और मोदी, इन दोनों में क्या रिजेंबलेंस है जिसकी वजह से मैंने इस थंबनेल पे लिखा है कि मोदी हिटलर ऑफ इंडिया। हिटलर ने जब डोमिनेट किया था जर्मनी को और उसके बाद उसके जो सारे लाखों की तादाद में उसने लोगों को कत्लोगारत किया था, उसके बाद उसने अपना एक सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे करने के लिए, लोगों को यकीन दिलाने के लिए, हिटलर वाज अ वेरी गुड मैन, उसने एक चीफ प्रोपेगेंडिस्ट रखा था अपने, उसकी समझो एक मिनिस्ट्री थी, पूरा इदारा था जो कि काम करता था उसके सॉफ्ट इमेज को पोर्ट्रे करने के लिए। एंड व्हाट वाज द मीडियम बीइंग यूज्ड, वो था मूवीज़ का, और इस तरह के मूवीज़ बनाई गई थी कि जिससे ऐसा साबित हो सके कि जो हिटलर है वो एक बहुत अच्छा बंदा है। और सिर्फ जर्मनी नहीं, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू में अगर देखा जाए तो हॉलीवुड और जो US है, गवर्नमेंट इंटरलिंक करके उन्होंने इस तरह की मूवीज़ बनाई थी ताकि जो वॉर ऑफ नैरेटिव है उसको जीता जा सके और लोगों को यकीन दिलाया जा सके कि जो जो USA कर रहा है वो ठीक कर रहा है। इवन कि आप रिसेंटली जब इराक इन्वेजन की हम बात करते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो BBC और CNN की रिपोर्टिंग भी यकीन करते थे और उनको यकीन था कि इराक में वाकई ही वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, लेकिन लेटर ऑन दोनों ने खुद ही ये चीज़ एडमिट की थी कि वी वर रॉन्ग एट दैट टाइम व्हाइल रिपोर्टिंग, कि इसी वजह से है और हम उस वक्त गलत थे और हमने वो रिपोर्ट सही नहीं किया था। ये मीडिया का नैरेटिव है जिसकी वजह से मीडिया का इस हद तक, उसको आप स्टेट का चौथा पिलर भी कहते हैं। पाकिस्तान की अब बात करें तो पाकिस्तान की खैर बात ही, हमारा मेन मुद्दा है बॉलीवुड और जो प्रोपेगेंडा है। बॉलीवुड की अगर आप हिस्ट्री देखें तो एक लंबी तारीख है कि इस तरह की मूवीज़ हमें देखने को मिलती हैं जिसमें जो पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम जो सेंटीमेंट है उनको यूज़ करके पैसा कमाया जाता है, उनको यूज़ करके जो डिफरेंसेस हैं उनको मज़ीद इग्नाइट किया जाता है ताकि दोनों जो ममालिक हैं उनके लोगों में एक दूसरे के लिए नफरत कायम रहे। पाकिस्तान में तो खैर सिनेमा उस तरह से डिवेलप नहीं हो सका, लेकिन इंडिया ने इस मुद्दे को इस तरह से रंग दिया है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो इख्तलाफात हैं उनमें वाकई ही हमें नज़र आता है कि उसमें जो फ़र्क है वो वाज़ा होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। बॉर्डर की बात करें, आप कश्मीर फाइल्स की बात करें, और एक वो मूवी आई थी जिसमें आप जनाब करके सिद्धार्थ मल्होत्रा और पता नहीं एक एटॉमिक एनर्जी जहाँ पे बनती है वहाँ पर उसको एक एटॉमिक बॉम्ब का क्या क्या दिखा दिया था। और रिसेंटली अभी उनकी एक और मूवी आई है जिसकी वजह से दोबारा वो द केरला स्टोरी, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सेंटीमेंट्स को किस तरह से यूज़ किया गया है। अब आप अगर जर्मनी के हिटलर की देखें तो उसने अपने सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे करने के लिए क्या किया था कि मूवीज़ बनवाई, इस तरह का मीडिया को यूज़ किया। और मोदी क्या करता है, मोदी ये बात आप सबको मेरे ख्याल में तो इस बात पर यकीन होना चाहिए कि मोदी की जो गवर्नमेंट है इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज़, और उसी को इस यूज़ करके वो वहाँ तक पहुँचा है। अब इसने अपने दौर में बॉलीवुड के साथ मिलकर ही इस तरह के नैरेटिव्स को प्रमोट किया और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अक्षय कुमार के इनके साथ कोई इंटरव्यू देख लें तो वो इस तरह के घटिया किस्म के सवाल पूछ रहा है कि आप 24 घंटे कैसे काम कर लेते हैं, मोदी जी जो दुनिया इंडिया को बदलने के लिए निकले हैं।
अपने ऊपर मूवी बनवाई है मोदी साहब ने। इस हद तक ये सेल्फ सेंटर्ड है, नार्सिस्ट हैं कि अपने ऊपर मूवी बना के अपना जो इमेज उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत हद तक जैसे नेक आदमी। हालांकि आप इनका गुजरात में दंगे फसाद हुए जिसमें मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, BBC की भी एक डॉक्यूमेंट्री में इनका रोल जो है वो वाज़ है, लेकिन वहाँ का सिस्टम भी जो लॉ जस्टिस सिस्टम है वो पाकिस्तान के जैसे ही है। क्योंकि हमारा अगर बैकग्राउंड ट्रेस किया जाए तो हम जाके मिलते तो पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो हमारे इंपीरियलिस्ट हमारे ऊपर थे, जो कॉलोनियलिस्ट थे, उन्हीं के माइंडसेट हमें अब तक फॉलो करते आ रहे हैं दोनों ममालिक के जो जस्टिस सिस्टम्स हैं। तो PM मोदी ने उन्हें अपने पर एक मूवी बनवाई ताकि इनकी जो बैकग्राउंड है उसको एक अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया जा सके। उसके बाद जो कश्मीर फाइल्स है, कश्मीर फाइल्स में जनाब इस तरह से मुसलमानों को पोर्ट्रे किया गया था, कश्मीर के मुसलमानों को, कि उन्होंने हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं। हालांकि वो जो मूवी है उसमें जो नंबर्स हैं इतने ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताए गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उसमें ये दिखाया गया है, अगर आप हिस्ट्री देखें ना उसकी कश्मीर की, तो 1948 में ही 2 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद किया गया था वहाँ पर, जो RSS इंस्पायर्ड वहाँ पे ग्रुप्स इन्वेड किया था कश्मीर के अंदर 1948 में, जिसके बाद पाकिस्तान ने यहाँ से अपने लोग वहाँ पे भेजे थे। तो उस वक्त भी वहाँ पर तकरीबन 2 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया गया था। उसके बाद एक मैंने रिपोर्ट निकाली है तो 1989 से 2020 तक 95,000 जो कश्मीरीज हैं उनको कत्ल किया गया है उनकी जानिब से, वहाँ के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं या जो भी ग्रुप्स वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने डिप्लॉय किए हुए हैं। उसके बाद अगर वहाँ पे जो अरेस्ट किया जाता है, जेलों में रखा जाता है, जेलों के अंदर 7,000 से ज़्यादा अमवात हुई हैं अभी तक। इसके बाद कश्मीरी मीडिया की जो सर्विसेज है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 11,000 के करीब जो वुमन हैं वो देवर बीइंग रेप्ड इन कश्मीर एरिया जो इंडिया के अंडर आता है। इस सब के बावजूद उस मूवी के थ्रू ये पोर्ट्रे किया जाता है कि जो कश्मीर के मुसलमान हैं उन पर जुल्म नहीं होता, बल्कि वो उन्होंने पंडितों पर जुल्म किया गया। पूरी हिस्ट्री में से एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को उठाकर मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको मज़ीद यूज़ किया गया और उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया गया ताकि जो डिफरेंसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ें, बजाय इसके कि आप जब वार ऑफ नैरेटिव आप जीतना चाहते हैं, लेकिन आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, एक ऐसे इरा में रह रहे हैं कि जहाँ पर पीस और इकॉनमी के थ्रू ही आप जीत सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें एक मीडिया का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है, अहम है, लेकिन आप उसको डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अभी उसके बाद ये मूवी जो थी इसका मकसद यही था कश्मीर फाइल्स का, कि लोगों को पता चले कि जो कश्मीर के मुसलमान हैं वो इतने भी अच्छे नहीं जितना उनको दिखाया जाता है, जितने उनको उनके रिलेटेड जो मजालिम दिखाए जाते हैं वो सच बात नहीं है। क्योंकि आपने एक इंसिडेंट को इस हद तक प्रोपेगेट किया, आपने फ्रेम उसको इस तरह से किया कि जैसे पता नहीं कौन सा अजाब वहाँ पर आ गया था हिंदुओं के ऊपर। ऑल दो जो किलिंग्स वहाँ पे 200 के करीब हुई हैं, ऑफिशियल कोई 200 कहता है, कोई 600 कहता है, लेकिन उस मूवी में बताया गया कि 4,000 से ज़ायद नंबर जो हैं कश्मीरी पंडित से उनको कत्ल किया गया था। नंबर जितने भी थे वो कंडेमेबल है, लेकिन आप उस मूवी को उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को यूज़ करके ये पोर्ट्रे बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि जनाब कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो इस हद तक जो हैं वो इंतहा पसंद हैं। अब जो रिसेंटली मूवी आई है द केरला स्टोरी में उन्होंने इतने ज़्यादा नंबर्स को जनरेट किया है कि तकरीबन 40,000 के करीब बताए गए नंबर्स के वो वहाँ पर कन्वर्ट किया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर, या ISS में उसको शमूलियत दिलवाने के लिए हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ध्रुव राठी की एक जो आप अगर देखेंगे वीडियो तो उसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया कि प्रोपेगेंडा किस तरह से किया गया है। तो आप अगर वो मूवी वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये भी एक प्रोपेगेंडा था, कि 3 से 4 हिंदू औरतें थी, पूरे जो अभी तक डाटा मिला है कि सिर्फ 3 से 4 हिंदू औरतें ऐसी थी जो कि कन्वर्ट हुई हैं और वो वाकई ही जाके ISIS का हिस्सा बनी हैं, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है। लेकिन दोबारा से ये एक बॉलीवुड को यूज़ करते हुए मोदी ने जो अपना काम है, जो अपना एक हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस का जो नैरेटिव है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया है, और जो इलेक्शंस आने वाले हैं मे भी उसमें से दोबारा मोदी साहब को जीत जो है वो मुमकिन हो, क्योंकि जो मोदी की कल्ट फॉलोइंग है वो बेस ही RSS इंस्पायर्ड उस पर करती है, और वो भी इसी बात पर यकीन करते हैं कि जो हिंदुस्तान है वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी स्टेट ही होनी चाहिए और मुसलमानों को जो राइट्स उनके हैं वो उस तरह से मिलने नहीं चाहिए। अब इससे हमें क्या सबक मिलता है? पाकिस्तान में जब हम देखते हैं कि ISPR की जानिब से कोई सॉन्ग रिलीज़ किया जाता है तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनको देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप लोग नूर जहाँ के वो वाले नगमे सुने, वो वाले मिली नगमे सुने कि ए वतन के सजीले जवानों, तो आपका खून जोश मारता है, आपको लगता है कि वाकई कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से हमारे अंदर जज्बा आ रहा है। क्योंकि म्यूज़िक
या जो मीडिया का एक पेनिट्रेशन होती है आपके अंदर, वो इस हद तक इफ़ेक्टिव है कि वो कुछ भी करवा सकती है आपसे। ये मीडिया का वाकई ही इतना पावरफुल इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से मीडिया को स्टेट का चौथा पिलर कहा जाता है, क्योंकि ये सच को झूठ और झूठ को सच सिर्फ दिखाता नहीं है बल्कि लोगों को बिलीव करवाता है कि वाकई ही ऐसा है। तो अगर आप एक साइड पे तो ISPR के उन नैरेटिव्स को सपोर्ट नहीं करते, आप उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि सिर्फ गाने रिलीज़ कर देते हैं, और गाने रिलीज़ करना कोई अगर काबिल तारीफ़ चीज़ नहीं है तो काबिल तनकीद भी नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से नैरेटिव बिल्डिंग होती है जिस जो उसमें जो मीडियम यूज़ किया जा रहा है वो सॉन्ग्स का है। तो आपको वहाँ पर जो मोदी ने जिस तरह से बॉलीवुड को यूज़ किया है हिंदू मुस्लिम जो इख्तलाफात हैं उनको हवा देने के लिए, तो उसको कंडेम करना भी बहुत हद तक ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से हम पूरे सिचुएशन को इसी तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि हमें जो मीडिया का रोल है उसको अच्छे से प्ले करना चाहिए, और बजाय इसके कि जो यूज़ करते हैं हम नेगेटिवली मीडिया का, उसको हम पॉजिटिव वे में लेकर चलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।